हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मैथ की स्पेशल क्लास लेकर के। कल हमने पढ़ा था एचसीएफ निकालना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम निकालना। कल जो मैंने वर्क दिया था, आप लोगों में से अभी तक किसी ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वर्क चेक नहीं कराया है तो आप वर्क चेक करा लेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम के बारे में, तो कॉपी पेन लेकर हो जाइए तैयार। चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है 60 एंड 90, हमको 60 एंड 90 का स्क्वायर एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमारा दो मेथड से निकाला जाता है, पहला हमारा है कॉमन डिवीजन मेथड और दूसरा हमारा मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड की, फिर इसके बाद कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। इसके लिए हमको क्या करना है, 60 के फैक्टर्स करने हैं, 90 के फैक्टर्स करने हैं और उस पर जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको अलग से ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ 30 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड किया, यहाँ 15 आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा। इसको करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इसके बाद जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन में ले लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको अलग से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर 1, 2 और 1, 2 कॉमन मिल रहा है, हमने ले लिया। फिर इसके बाद 1 बचता है तो उसको लिख लिया, 1, 3, 1, 3 कॉमन मिल रहा है, हमने उसको ले लिया। फिर से 1, 3 बच जाता है, उसको भी हमने ले लिया। 5, 5 कॉमन मिल रहा है, हमने इसको भी ले लिया। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 जा 15, 15, 3 जा 45, 45, 2 जा 90, 90, 2 जा 180। हमारा एलसीएम आ गया 180। समझ में आया कैसे करना है? सबसे पहले दोनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेने हैं, वो भी प्राइम फैक्टर्स। इसके बाद हमको क्या करना है, जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कराने पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड की, ये क्या होता है, इस पर हमको कैसे करना है इस बारे में। कॉमन डिवीजन मेथड में हमको क्या करना होता है कि दोनों को एक साथ लेके दोनों में एक साथ हमको डिवाइड करना होता है 60 एंड 90। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 45 हो गया, फिर से 2 से डिवाइड किया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 45 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग करते रहते हैं। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 × 5 = 180 आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 21, 35 को इसका एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, तो हमको पता चला 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड करने पे यहाँ 5, यहाँ 7 है 35। अब हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 7 से डिवाइड किया यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इनका करा देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ पे आने वाला है 3 × 5 × 7, यानी कि 7 × 5 = 35, 35 × 3 = 105, आंसर आ गया 105। चलिए जहाँ पे भी ना समझ में आए आप वीडियो को पॉज करें, उसको दोबारा समझें, जहाँ भी कोई दिक्कत लगे आपको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे ये नहीं समझ में आया था, आप फिर से एक बार बता दें, मैं उस पर फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए
तो अब कुछ हम लोग देखते हैं थ्योरिकल मेथड पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, समझिएगा, और फिर हम बोर्ड पे उनको बताते हैं। पहला दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट एक्सैक्टली डिवाइड बाई 35, 32, 40 एंड 80। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 35, 32, 40 और 80 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, इसके लिए हमको क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। इस बात को याद रखेंगे, देखते हैं। तो 35, 32, 40 एंड 80, इन सबका हमने निकाल लिया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टू से इसको डिवाइड करने वाले हैं। 35 सेम ही रहना है, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ 20, यहाँ पे 40। फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको। 35 सेम ही रहना है, यहाँ 8 हो जाना है, यहाँ पे 10 हो जाना है, यहाँ 20। फिर से डिवाइड करेंगे 35, 4, 5, 10। फिर से डिवाइड करेंगे 2, 5, 1। फिर से डिवाइड करेंगे 1, 5, 5। 5 से डिवाइड कर देंगे 7, 1, 1, 1। 7 से डिवाइड कर देंगे, सब लिखे 1, 1। अब इन सबका हमको क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई क्या होना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो 7 × 5 = 35, 35 × 2 = 70। ठीक है, यहाँ तक हमारा कितना पहुँचा, 70। अब इस तरफ मल्टीप्लाई करा देते हैं, हम दोनों का कर देंगे फिर से मल्टीप्लाई। ये कराएंगे 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 70। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है ना, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया, ये सब्जी इतनी जल्दी कैसे हो गया, देखते हैं। 7, 6, 42 की डेट से लगाए, ठीक है। वहाँ पे हमने 2 की 1 की जगह 2 लिख दिया था, तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया। देखिए, समझ में आया कैसे करना है, तो अब होमवर्क आपके लिए दे दिया जाए। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग होमवर्क दे देंगे आपको, आप होमवर्क करके लाएंगे। दिया गया है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079, देयर एलसीएम इज 27। इफ वन नंबर ऑफ द इज 189, फाइंड अदर नंबर। जब ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे तो सबसे पहले इनका फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, जो दिया गया है वो रख देंगे, जो नहीं दिया गया है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर दिया गया है, कितना दिया गया है, 189 लिख दिया। सेकेंड नंबर नहीं दिया गया है, हमने एक्स मान लिया। एलसीएम दिया गया है 2079, देयर एलसीएम दिया गया है कितना, 27। ठीक है, ये हमारा इसका सवाल रहा। अब इसके बाद इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग 9 से डिवाइड कर देते हैं।
21 आने वाला है, इसको डिवाइड कर लेंगे 3 आने वाला है। ठीक है, क्या समझ में आता है? फिर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। 7 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 2 यहाँ बचा 6, हुआ कितना 67। तो 9 टाइम में, ठीक है, अभी यहाँ पे कितना बचता है 4। तो 7 टाइम में, यानी कि सेकेंड नंबर जो हमारा आया 297 आ गया, सॉल्व हो गया। समझ में आया? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का आप सभी को पता चलता है।